खैरलान जी एक राय होकर गाली गलौज और दादागिरी करने का आरोप, मामला ग्राम मोहाड़ी का। थाना खैरलान जी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहाड़ी में आए दिन विवाद करने व परिवार के सदस्यों को गाली गलौज और धमकाने से परेशान होकर एक परिवार द्वारा थाने की शरण लेते हुए थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी से गुहार लगाई कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसा करने के पहले आरोपी गण चार बार सोचे। आरोपी पर इसके पूर्व भी अभद्रता कर अपशब्दों का प्रयोग करने और घर में आकर धमकाने के आरोप है, मगर अनावेदकों की आदत में किसी तरह का सुधार नहीं होता देख फरियादी शांत कला को 31 अगस्त 2020 को थाना प्रभारी के समक्ष पूरे परिवार के साथ गुहार लगानी पड़ी। आवेदक शांतकला पति वासुदेव मेश्राम की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अनावेदक अंबालाल पिता शंभू बर्वेकर, महेश पिता शंभू बर्वेकर, अनीश पिता अंबालाल बर्वेकर के विरुद्ध धारा 294/504 का मामला दर्ज किया गया है। एमपीसीजी 24 समाचार के लिए खैरलान जी से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शांतकला मेश्राम। कहाँ रहते हो? ग्राम मोहाड़ी। क्यों आए हो थाने? सवेरे इनसे झंझट हुई है, इनने जिस जगह में कब्जा की है वहाँ से इनको रास्ता जाने के लिए है ऑलरेडी। बकरी की मतलब वो डाली लगाई थी वहाँ पर, तो इनने मेरे ये जा रहा था अनीस, तो बोला अपने बाप को बता देना रे, हमारे नाथन को बोला, ये अगरबत्ती सुखा रही थी ऊपर छत के ऊपर, तो बोले अपने बाप को बता देना रे, बोले तुम्हारी माँ की चूत बोले यहाँ पर, बोले यहाँ रास्ता रोक वोक करके रखे है, बोले आने जाने में दिक्कत होती है, बोले। फिर लड़की ने हमको बताई तो हम लोग निकले, फिर के तुम गाली क्यों दे रहे हो? इसके बाद में वो डंडा लेकर के गए आ गए और पूरा परिवार आ गया, ये पांच भाई का जोड़ है इसलिए ये लोग दादागिरी बताते हैं। और हमने फिर बोले कि तुमको लड़ना है तो कानून से लड़ो, तुम डंडे लेकर क्यों आए हो? हमने वीडियो बनाए, हमारे पास में जो प्रूफ है, मैंने अपने लड़के को गेट के अंदर कर दी, मैंने बोली हम कानून से लड़ेंगे, तुम लोग सामने मत आओ। सरपंच को फ़ोन किए, सरपंच साहब आए, हमने बताए, उसके बाद में हम गाड़ी तैयार करके यहाँ तक आए। आए दिन मतलब हमारे साथ में इसी तरह से करते रहते आए दिन। तो थाने में क्या बोल रहे साहब? क्या बोल रहे साहब? बोल रहे हैं कि मतलब राजीनामा के लिए, और वो बोल रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं करूँगा सर। यहाँ पर वो साहब के सामने हाथ जोड़ता है और वहाँ पर गुंडा दादागिरी बताता है, उसका ये पैसा है। आप समझौते के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तैयार हमारे हमारी आज जान का खतरा है सर। हमारे बच्ची के सामने उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, हमारे बच्ची को गंदी गंदी गालियां लेंगे सर, हमारी आज जान का खतरा है सर। इनकी क्या गारंटी? अगर हम गांव जाएंगे तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्या गारंटी बताओ? ये यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, वहाँ पे दादागिरी बताते हैं सर। गाड़ी को तोड़ डाले, सबूत देंगे अभी आपको। और हमारे मतलब मुनगे का पेड़ था उसको तोड़ डाले हैं। आके जगह पे तत्काल जांच कीजिए, हमारी बाड़ी कहाँ और कहाँ नहीं है, घर कहाँ और हमारा घर कहाँ, बाड़ी कहाँ है, करके कहाँ से जाएंगे।